सत्य का तीसरा प्रकरण है शब्द विभाग इसमें बहुत सारे विषयों का वर्णन निर्णय करने के पश्चात श्री विशाल साहेब गुरु शिष्य के संबंध में काफी कुछ विस्तार से कहते हैं और ये बताते हैं कि गुरु शिष्य के बीच केवल धर्म का रिश्ता है धर्म का नाता गुरु शिष्य से जबरदस्ती सेवा नहीं ले सकता नहीं लेता भी है जो है वो भय देता है कि तुम्हारी सेवा नहीं करोगे तो नरक में चले जाओगे हमारी सेवा नहीं करोगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे सच्चे गुरु शिष्य से यह नहीं कहता है कि तुम्हें मेरे प्रति श्रद्धा रखना चाहिए किंतु अपने कल्याण के लिए शिष्य स्वयं गुरु पर श्रद्धा रखता है जब ये कहा जाता है आदमी को श्रद्धावान होना चाहिए तो एक सार्वभौमिक तत्व बात है वह अपने लिए व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है जिस आदमी के मन में कहीं किसी के लिए श्रद्धा नहीं है वो आदमी कहीं से कुछ सीख नहीं सकता है सही जगह श्रद्धा नहीं रखेगा आदमी तो गलत जगह श्रद्धा रखेगा ज्ञान भक्ति कल्याण के साधक अंग और कल्याण के ज्ञान भक्ति कल्याण की शिक्षा देने वाले संत गुरुजन गुणवान विद्वान या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखेगा तो अज्ञान के प्रति श्रद्धा रखेगा अपने मन की कुचालों के प्रति श्रद्धा रखेगा आदमी दो दुर्गुणों के प्रति श्रद्धा रखेगा कुसंजयोग श्रद्धा रखेगा लेकिन उसका परिणाम नरक है और क्या होगा लेकिन ये कहना कोई गुरु कहे शिष्य से तो तुम मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रखते हो तुम्हें तो मेरे प्रति श्रद्धा रखना चाहिए यह गलत है सतु के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए तो सार्वभौमिक है अपने लिए श्रद्धा रखवाने की जरूरत नहीं है जिनकी गरज होगी रखेंगे नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे, ने रखेंगे, ने रखेंगे तो क्या जाएगा शिष्य जो सच्चा शिष्य है वह स्वयं गुरु प्रति श्रद्धा रखेगा गुरु का काम है शिष्य को सदुपदेश देकर सन्मार्ग बता देना और निष्काम रहना निष्काम भाव की शिक्षा शिष्यों को भी देना है स्वयं अहंता ममता कामना से रहित रहना तब जो निष्काम है वो अशीषे से जबरदस्ती कैसे करेगा कि तुम्हें मेरे प्रति श्रद्धा रखना चाहिए और कोई गुरु ऐसा कहता है कि तुम मेरे लिए श्रद्धा नहीं रखते हो तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम नहीं है तो गुरु में ही गड़बड़ झाला है उसके कहने जरूरतें नहीं है उसको साहब कहते हैं कि जो गुरु है उसे साधन होकर के अपना काम संभाल संभाल करके करना चाहिए जिससे वह अपने कल्याण पथ में चल सके और दूसरों को भी उसका रास्ता बता सके जो जितने बड़े पद में हो उसे उतना ही धैर्यवान और विवेकी होने की आवश्यकता है कोई पद बढ़ता है तो अधिकार बढ़ता है लेकिन अधिकार के पहले कर्तव्य बढ़ता है कहीं भी हो अमुख हमें पद मिल गया हमारा अधिकार हो गया और आ, हमें लोगों को ऐसा ऐसा मानना चाहिए पहले कर्तव्य करें तो अपने आप लोग मानते चले जाएंगे पद मिलने पर केवल अधिकार की लालसा हो जाती है तो वहां गड़बड़ होता है अधिकार अपने आप मिलता है कर्तव्य के बाद और कर्तव्य पर ध्यान नहीं है सम्मान की भूख है सम्मान की भूख रहेगी तो हमेशा असंतोष की आग में जलते रहना होगा और कुछ देखा जाता है प्राय सर्वत्र जब कुछ लोगों को कोई पद मिल जाता है तो सम्मान की भूख बढ़ जाती है असंतोष असंतोष हर समय असंतोष वो अमुख हमें नहीं मानता अमुख हमें नहीं मानता हमारे श्रद्धा नहीं रहता भीतर की कमी नहीं रखेगा तो क्या बिगड़ जाएगा कोई नहीं रख रहा हमारे श्रद्धा तो हमारा क्या बिगाड़ हो रहा है उसका बिगाड़ हो गया उसका बिगाड़ हो रहा है तो, तो हम हम नाराज क्यों हों नाराजगी अपनी कमी है हम में कोई कमी है तब हम नाराज हो रहे हैं तो कहीं भी हो गृहस्थी हो विरक्ति हो राजनीति का क्षेत्र हो समाज का क्षेत्र हो पद बढ़ता जाता है तो कर्तव्य बढ़ता चला जाता है साहब कहते हैं कि जो जितने बड़े पद में हो उसको उतना ही धैर्यवान होने की आवश्यकता है और साथ साथ विवेक पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता है जो बड़े दर्जे वाले हैं बड़े दर्जे मतलब बड़ा अधिकार बड़ा पद जिनको बड़ा माना जाता है उनको बहुत बचाकर चलना चाहिए जिन लोगों के हाथों में बहुतों के सुधार का दायित्व है सेवा का दायित्व है उन्हें बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए जो जितने बड़े पद में होता है ये तो इस रूप में जैसे हम समझ ले जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का मालिक है यदि वो गलती करता है तो उसी गलती का परिणाम केवल उसके घर वालों को भुगतना पड़ेगा पड़ोसियों को नहीं भुगतना पड़ेगा पड़ोसी अपने घर का मालिक है नुकसान उसके घर वाले उसको होगा उसके घर वाले को होगा लेकिन वही व्यक्ति यदि गांव का सरपंच हो जाए और गलती करेगा तब क्या होगा पूरे गांव का नुकसान होगा और वह व्यक्ति यदि मान लो एक मुख्यमंत्री बन जाए और गलत निर्णय ले ले तो उसका परिणाम क्या होगा पूरे प्रदेश को भुगतना होगा और प्रधानमंत्री बनकर ये गलती करे गलत निर्णय ले तब उसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा छोटे स्तर के पर है गलती करता तो उतने स्तर पर होगा जितना बड़े पद जात में जाता जाएगा उतना होगा और सही निर्णय का परिणाम भी उसी हिसाब से होगा प्रधानमंत्री से ने निर्णय लेता है उसका से निर्णय का का लाभ पूरे देश को होगा गांव गांव का सरपंच से निर्णय लेता है तो उसका लाभ गाँव वालों को होगा घर का मालिक लेगा तो उसका लाभ घर वाले होगा क्योंकि जितना दायरा उसी हिसाब से तो जिन लोगों के हाथों में बहुतों के सुधार का दायित्व होता है उसका अपना तो है ही अपना सुधार साहब कहते हैं उनको बहुत सोच विचार करके अपना काम करना चाहिए जो जितना धीर गंभीर होगा निष्काम होगा वो उतना स्वयं सुखी होगा और उसके व्यवहार आचरण से दूसरों को भी सुख मिलेगा किसी को मिले या ना मिले यदि हम धैर्यवान हैं निष्काम हैं गंभीरतापूर्वक काम करते हैं सबसे पहला फायदा हमें होगा उलझते रहेंगे बार बार तो सबसे पहला नुकसान हमारा होगा दूसरे का हो या है ना हो हमारी उलझन से दूसरा का को, कोई सोचे अरे ठीक है अपना ऐसा ऐसा कहता है उसका नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन हमारा नुकसान तो हुआ अपना नुकसान करने के बाद ही हम उलझते हैं लेकिन ये नुकसान हमारी समझ में नहीं जाता कोई हमें नहीं मानता बड़ा वह नुकसान मान लेते मिथ्या कोई हमें कितना भी बड़ा मान ले हमारा उसमें कोई लाभ नहीं होगा हम जब शांत रहेंगे जिस काम रहेंगे उसमें हमारा लाभ होगा लेकिन मन इस बात को समझने को तैयार नहीं होता है दूसरे लोग हमें बड़ा माने हमें आदर दे हमें अच्छा कहे इसमें हमारा लाभ जब उसमें लाभ कुछ नहीं है अहंकार की पुष्टि होगी बस तृष्णा और बढ़ती चली जाएगी कोई भी हो कहीं का रहने वाला आदमी इसमें साधु गृहस्थ की बात नहीं है मनुष्य की बात है जो जितना धीर गंभीर निष्काम होगा और निष्काम होकर के अपने संयम पथ में चलेगा साचार चलेगा वो स्वयं सुखी होगा और दूसरों को भी सुख शांति दे सकेगा उसका अपना व्यवहार परमार्थ का काम सुचारू रूप से चलने लगेगा श्री विशाल साहब कहते हैं गुरु शिष्य दोनों को संबोधित करते हुए कि दोनों का कर्तव्य है परख ज्ञान विवेक पूर्वक व्यवहार करना और परस्पर दूसरे प्रति प्रेम विश्वास बना करके अपने कल्याण मार्ग में आगे बढ़ना धर्म के क्षेत्र में महंत आचार मंडलेश्वर आने की बड़ी होड़ है हम बड़े आचार्य हम बड़े आचार्य श्री विशालता से पूछा गया था आपका आचार्य कौन है किसको आप आचार्य मानते हो अब किसको आचार्य माने न माने सब तो सबसे बड़े आचार्य तो कबीर साहब है हमारे कह पंथ में और किसको आचार्य मानेंगे तो वहां पर साहब कहते हैं अपना एक प्रश्न की है ज्ञान निधान गुरुदेव कृपया ये बताएं कि आचार्य और सदगुरु ये दोनों भिन्न भिन्न पद हैं कि एक ही है यदि आचार्य और सदगुरु या गुरु दोनों का अर्थ एक है तो इन दोनों नाम में किस नाम को बड़ा माना जाए आचार्य नाम को बड़ा माना जाए कि गुरु नाम को बड़ा माना जाए और किसको छोटा माना जाए यदि गुरु पद और आचार्य पद अलग अलग हैं तो दोनों में अंतर क्या है क्योंकि यदि दोनों के लक्षण अलग अलग नहीं होंगे तो दोनों को ये अलग अलग माना कैसे जाए नियम तो होगा यदि यह कहा जाए कि गुरुपद से आचार्य पद अलग है तो माया भी जर्या होगा गुरुपद क्या है आत्मस्थिति गुरुपद है निष्काम दशा गुरुपद है उससे अलग आचार्य पद क्या होगा कहीं बिहार में रख लिया तो बात अलग है यदि गुरुपद से आचार्य पद अलग है तो आचार्य पद मायावाचक होगा और इसी माया चक्कर में पढ़ करके दुनिया के सभी लोग भ्रम भूल में पड़े हुए हैं जो स्वयं पवित्र रहनीत में रहते हैं उसे शिक्षा देते हैं आत्मबोध में स्थित है और आत्मबोध की शिक्षा देते हैं जनता में धर्म का प्रचार करते हैं उनको ही लोग गुरु या सदगुरु और संत कहते हैं सदगुरु संत का लक्षण और अलग क्या है क्या स्वयं सदगुण सा साचार संयम से, से रहना ज्ञान भक्ति पूर्वक जीवन जीना उसी उसी का प्रचार करना अब इससे अलग अलग हटकर के संत सदगुरु गुरु का लक्षण और क्या होगा अब अलग है तो माया भी है गुरु कहलाने मात्र से कोई गुरु थोड़े हो जाता है जीवन वैसा जीता है तब वो गुरु होता है पारखी संत साहब कहते पारखी संत उन्हें कहना चाहिए जो स्थूल सूक्ष्म सारे बंधनों को काट कर उद्वेगहीन होकर अपने आत्मस्थिति की साधना में निमग्न रहते हैं केवल पारखी कहलाने मात्र से पार कोई पारखी नहीं हो जाता हम तो देवी देवता भूत प्रेत मरी मतान कुछ नहीं मानते इतने तो कोई पारखी थोड़े हो गया बहुत से गृहस्थ लोग भी तो नहीं मानते उसको कुछ लोग समझते हैं पारखी का अर्थ है ये देवी देवताओं भगवान भगवती एक साथ में सब गाली देना जो ऐसा नहीं कर सकता वो पारखी नहीं है अपनी रहनी का कोई ठिकाना नहीं साधना से चलने की कोई बात ही नहीं है ध्यान चिंतन की कोई बात ही नहीं है खाली खंडन करना उसको मानते ये पारक है ये पारक नहीं है उदंडता है पारक का अर्थ क्या जी है जितने जो गलत है उसको छोड़कर सत्य में स्थिति हो ना अपने आप पर कंट्रोल नहीं नियंत्रण नहीं है और दूसरे खंडना करते चले जा रहे हैं तो कहाँ पारक है बीजक के अंत में जो नौ साखियां आई हुई है पाठफल में उतने पारक का जो लक्षण बताया गया है दया रूप थिरपद रहे सो पारख पहचान बस एक पंक्ति पर्याप्त है पारक की व्याख्या के लिए साहब ने तो और बहुत कहा है लेकिन पारक के लिए कहा कि दया रूप थिरपद रहे सो पारख पहचान जो दूसरों के लिए दया रूप है दया कृपा करुणा का व्यवहार करता है और अपने आप में स्थित आत्मलीन है वो पारखी है आत्मलीनता साधना की बातें नहीं है खाली खंडन तो कहां पारख साहब <स्थिर्वितार्थार> कहते हैं जो अपने मन के भीतर मन के नहीं के भीतर बाहर के सारे सूक्ष्म बंधनों को काट कर निष्काम शांत उद्वेगहीन है और अंतर्मुख उन्हें ही पारखी संत कहना चाहिए संत एक तो होता है संत कहलाना है एक होता है संत पदस संत दशा साधु मार्ग में हर किसी को संत कह दिया जाता है मर्यादावत शिष्टाचार में अच्छा है कहना गलत नहीं है इतने संतान हैं इतने संत जा रहे हैं तो एक व्यवहारिक बात है वह और ऐसा कहना अच्छा भी है लेकिन कोई हमें संत कह दे तो उतनी मात्रा से हम संत नहीं हो जाते हैं संत दशा आने पर हम संत दूसरा कहते हमें संत तो ठीक है वो शिष्टाचार उस है उसका व्यवहार है अब कोई आकर कहे ऐ साधु सुन तो मेरी बात को तो गड़बड़ेगा ओके संत जी ऐसी ऐसी बात है तो वो अच्छा लग जाएगा सुनने में तो संत का अर्थ क्या है संत जिसका मन शांत हो वो संत है चाहे कोई ही व्यक्ति हो सीधी परिभाषा संत की जिसका मन शांत है वह संत है अब कोई एकाएक तो अपने मन को शांत नहीं कर रहेगा साधु मार्ग में जो आया एकाएक कैसे वो तो मन शांत हो जाएगा लेकिन उसके लिए प्रयत्नशील तो है जो प्रयत्नशील है अपने मन को शांत करने के लिए वो भी शांति कहलाएगा प्र, आज प्रयत्नशील है लगा हुआ है तो धीरे धीरे वहां तक तो पहुंच जाएगा वो लगा ही नहीं है उसके लिए चेष्टा ही नहीं है तो संत कहला करके भी वो संत नहीं हो सकता है दूसरों के लिए संत है लेकिन अपने लिए नहीं हो सकता संत दशा मन की शांति दशा है और कल्याण उसी से है दूसरे लोग हमें संत कह दें उसमें हमारा कल्याण नहीं है हमारा मन शांत हो जाए उसमें हमारा कल्याण है तो जो उस संत दशा में स्थित है और उसी का उपदेश औरों को करता है उन्हें ही कहना चाहिए वही सदगुरु हैं संत हो जो संत दशा में स्थित है उपदेश करता वही सदगुरु हो जाते हैं अलग कोई ले सदगुरु का लक्षण संतों से अलग थोड़े होता है सदगुरु संत की दशा एक ही दशा होती है इसलिए संत पद और गुरु पद दोनों से हट करके और कोई बड़ा पद नहीं है अब ये जो संत पद है और गुरु पद है इससे अलग कोई बड़ा पद माना जाए तो एक भ्रम का बोझा लादना है गुरु पद से बड़ा और क्या पद होगा पद में श्री राम साहेब ने गुरु के बहुत लक्षण गिनाए हैं जो हम लोग संध्या पाठ की शुरुआत में ही जो करते हैं सदगुरु गुरु शतक उसमें गुरु के सौ विशेषण बताए हैं शुरू में जो चंपाइयाँ आती है नमोन गुरुदेव प्राप्त जो चंपाइयाँ आती है वो पनग्रंथी की है गुरु गुरुशतक सार उसको कहा जाता है उसमें कितने लक्षण बताए हैं जेरे राम रहा साहेब ने गुरु के अब उसमें से किसी में दो चार लक्षण ना मिले कह दिया कि नहीं कि वो गुरु पद ऐसा नहीं है जो जितना धारण कर सके और जो धारण कर ले वही संत भी हो जाता है तो उससे अलग कोई बड़ा पद नहीं अलग पद बड़ा पद मानोगे तो भ्रम को बोझा लादना है अज्ञान और माया की बातों को पुष्ट करना है सदगुरु कबीर सारी कामनाओं से ऊपर मुझे ऐसा हो रहा सब सुख तेरे पास ने कहा कि जैसे मैं निष्काम हो गया हूं ऐसे तुम भी निष्काम हो जाओ बस सब सुख तुम्हें मिल जाएगा सदगुरु कबीर ने कभी ये नहीं कहा है कि मुझे बड़ा मानो कि गुरु मानो कि आचार्य मानो साहब ने तो कह दिया कहें कबीर सब खलक से आना इनमें हम ही अनाड़ी भैया दुनिया भर के लोग बड़े बुद्धि दुनिया वाले बहुत बुद्धिमान हैं मैं तो अनाड़ी हूँ अपने को वो कहते हैं कि हाँ हम ही अनाड़ी हैं कहीं कभी हम ही पे बौरे सब कहते हमें पागल हैं लेकिन वे सिर मुकुट हो गए क्योंकि निष्काम थे सन शिरोमणि कहलाए उन्होंने अपने कुछ माना नहीं जो भी निष्काम हो ये कबीर साहब की बात नहीं है कोई भी हो कहीं का भी हो जो भी निष्काम हो जाएगा उसे कुछ बनाना नहीं पड़ेगा कोई चाहना नहीं होगी अब बिहार में कोई एक पद दिया जाता है किसी कुछ कहा जाता है जाता है तो वो बिहार के लिए है उसमें हमारी विशेषता कुछ है नहीं अब बिहार में किसी को कुछ पद दिया भी गया तो सेवा के लिए दिया गया है अहंकार गांठने के लिए नहीं दिया गया नहीं हमको ये पद मिल गया हमको गुरु बन गए हम महान बन गए हम ये बन गए वो बन गए हम दूसरों से बड़े हो गए ये अहंकार गांठने से काम नहीं आने चलेगा उस सेवा के लिए दिया गया है सेवा करो अपने आप सम्मान मिलेगा प्रतिष्ठा मिलेगी तो बनने की आवश्यकता नहीं है होने की आवश्यकता है जो निष्काम हो गया उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है साहब ने श्री विशाल साहब ने कहा है बड़े पुरुष निर्माण रहते हैं हो तो बड़ाई जाप जो संत हैं बड़े हैं वे निर्माण रहते हैं मन बड़े कामना नहीं रखते लेकिन अपने आप उसकी बड़ाई की प्रशंसा लोगों के बीच में होने लग जाती है देखो अभी कितने सेवा प्रायण कितने निष्काम हैं कितने सरल हैं ऐसा बन करके हम देखें अपने आप हमें शांति मिलेगी औरों को तरह मिलेगा और हम कहें कि हम तो ये बन गए हमें ऐसा मिलना चाहिए वैसा मिलना चाहिए तो फिर केवल क्लेश के अलावा क्या है अपना क्लेश दूसरे को भी क्लेश है। तो जो भी निष्काम होता है वो तो कुछ बनना नहीं पड़ता किंतु सब लोग उन्हें अपने आप बड़ा मानने लग जाते हैं और अनेक प्रकार के आदर्श उदर्श शब्दों से उन्हें संबोधित करने लग जाते हैं साहब कहते हैं इसलिए स्वयं निष्काम बनो निष्काम बन हो जाना ही ये पद है गुरुपद है सदगुरुपद है और यही कल्याण की दशा है साधुओं के बाद बताते हुए सब निष्ठा के अंत में ही कहा गया है साधु 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 बड़े संतोषी के पद है साधु का अर्थ क्या है संतोषी और संतुष्ट नहीं है तो साधु कहते हैं फिर यदि साधु असंतोष के आग में जल रहा है तो दूसरों को क्या कहा जाएगा फिर गृहस्थ हो गृहस्थ है हम तो गृहस्थी हम ऐसा है ये काम करना भी वो काम करना है ऐसा करना है यह संतोष नहीं है ये नहीं मिला है वो नहीं मिला ऐसा सम्मान नहीं मिला था भोजन नहीं मिला था आदर नहीं मिला था कपड़ा नहीं मिला ये असंतोष की भावना है और जिसके भी मन में हो चाहे साधु चाहे गृहस्थ हो फिर से दुखी रहना है जो मिला है उसको ये समझना है बहुत है फिर आगे जो काम करना हो है वो तो करना ही होगा जीवन भर करना होगा तो साधु का लक्षण है संतोषी होना उसी संतोष भाव में जीना जिससे सारे मन की सारी जलन मिट जाएगी जा बिना संतोष के मन की जलन मिटने वाली नहीं है साधु असत्य को छोड़ करके सत्य भाव को ग्रहण करना साधना विरोधी जितने भी काम है सब असत्य है और जो साधना में सहायक मानो वो सत्यता से परिपूर्ण है साधु का काम स्वयं निर्दोष रहना सत्यपरायण होना उसी निर्दोषता और सत्यपरायणता की शिक्षा लोगों को देना निर्दयता को छोड़कर दया धारण करना और दया पूर्ण हो गए दूसरे को उपदेश देना मन इंद्रियों की चंचलता में पढ़कर हम जो कुछ करेंगे उसमें निर्दयता आ जाएगी फिर उसमें अपने स्वार्थ की पूर्ति की भावना होगी और मन इंद्रियों कि छोड़ कर मनेंद्रों को संयम रख करके काम करेंगे तो उसमें दूसरे को कष्ट होने की बात ही नहीं है संयम पूर्व जो काम किया जाएगा उसमें दया अपने आप आ जाती है असहनशीलता को छोड़कर सहनशीलता धारण करना तो आपको तो ये साधु का लक्षण है जीवन व्यवहार में सब कुछ हमारे मन का अनुकूल नहीं होना है किसी का अनुकूल नहीं हुआ है दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ है जिसके मन के अनुकूल सब कुछ हुआ हर आदमी को ये भी सोचना चाहिए कि क्या मैं सबके सबके मन के अनुकूल काम कर सकता हूँ और कर रहा हूँ जब स्वयं सबके मन के अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं तो आपके या हमारे मन के अनुकूल सभी लोग सब काम कैसे कर सकते हैं अब नहीं किए अशांतिल हो गए भड़क गए नहीं भड़के तो मन में अशांत रह गए एक गुब्बारा बना लिए तो ये तो अपने को कष्ट देना है कहीं चले जा, ट्रेन में यात्रा करो वहाँ निकलोग मिलते हैं सीट को लेकर लड़ाई होती है अपने सामान रखने के लिए लेकर लड़ाई होती है बस में जाओ वहाँ होती है रातर चलो वहाँ वहाँ पर है कहा नहीं प्रतिकूलता कहां कहां उलझेंगे हर जगह प्रतिकूलता आएगी हर जगह प्रतिकूलता आएगी हम दूसरों के लिए प्रतिकूल बिहार उपस्थित ना करें और कोई दूसरा हमारे लिए प्रतिकूल बिहार उपस्थित करता है तो उसमें शांत रहे इसी में हमारी विजय होगी यही हमारे लिए सुख का रास्ता होगा दुनिया भर को ठीक कर दें तो ये नहीं हो सकता अपना हम ठीक हो जाए बस भीतर की कमजोरी से हमें कष्ट होता है जैसे रास्ते में रास्ते भर में कंकड़ बिखरे हों लेकिन हम एक अच्छा जूता पहन ले, तो कंकड़ भरे रास्ते में जूता पहन कर चलने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि जूता हमारे पहने मजबूत कंकड़ गड़ेंगे नहीं एक किलोमीटर ने क्या दो किलोमीटर भी चलना पर जूता पहन करके कर कंकड़ भरे रास्ते में चल सकते हैं लेकिन जूते के अंदर एक छोटा सा कंका आ जाए और सड़क बहुत बढ़िया साफ हो तो चलना मुश्किल पड़ जाएगा एकदम झाड़ू पोछा कर लगाया हुआ सड़क हो और जूते हमारे भीतर एक कंकड़ आ गया है तो ये कंकड़ इतना परेशान करेगा कि चारदम चलना मुश्किल हो जाएगा रास्ते भर का कंकड़ परेशान नहीं करेगा यदि हम हम जूता पहन कर चल रहे हैं तो और साफ रास्ते में एक कंकड़ कितना परेशान करे जूते के भीतर है तो, तो बाहर कितनी प्रतिकूलता हो यदि हमारे भीतर ज्ञान है विवेक है साधना सहनशीलता है तो बाहर प्रतिकूलता हमको अपने कल्याण में रोक नहीं पाएगी और बाहर के लोग कितने अनुकूल हों कितने अनुकूल हों हमारा मन ही अहंकारग्रस्त है असहनशील है तो बाहर का अनुकूलता कल्याण नहीं कर पाएगी मुख्य बाधा हमारे भीतर है अहंकार असहनशीलता कामना अहंकार और कामना जितनी ज्यादा होगी होंगे उतने ही असहनशीलता होगी और मूल में क्या है असहनशीलता के त्रीविता साहब कहते हैं तुम साधु हो तो साधु का काम है असहनशीलता को छोड़ करके सहनशील होना जितने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है उसके साथ क्षमा का व्यवहार करना उसके अपराध को याद कर करके पीड़ित ना होना उसका क्या भी? वो तो मान लो एक बार गलती कर दिया ठीक है उसको हम बार बार याद करते हैं हमारा मन उद्योगित होता रहेगा हमारा मन नुकसान में चला जाएगा क्षमा भाव धारण करना गम खाना और विवेक पूर्वक होता में जीना बिना विचार कि ये कुछ भी ना करना और जो किया जा रहा है उसमें भी अहंकार भाव न रखना अहंकार मन का उन्माद और असाधानी से दूर रहकर सदैव जागृत भाव में जीना संत का काम ममता का त्याग निर्मोही कोई संत हितैषी सबके तह कहते जो संत निर्मोही है वो सबके लिए हितैषी होते हैं वही व्यक्ति कहीं भी हो संत अब संत ही मोही है तो तो दूसरों को क्या बताएंगे गृहस्थों को निर्मोह होने को व्यद कैसे कर सकता है साहब कहते हैं संत ही ममता का त्याग करते हैं वे मोह को छोड़ करके उस अपने आत्मभाव में स्थित होते हैं जिसका जन्म मरण और नाश नहीं है जहां जहां हम मोह करते हैं वो सारी चीजें बनने बिगड़ने वाली अंत में नष्ट हो जाने वाली है लेकिन अपना आपा जन्म मरण से और विनाश से रही उसमें ही मोह करें स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है विवेक चौड़ामी में बाहर कहीं आसक्ति न बनाओ आसक्ति बनाना है आसक्ति रखना है तो अपनी आत्मा में आसक्त है यद्यपि आत्मा के लिए अपने स्वरूप के लिए आसक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है आशक्ति बाहर प्राणी पदार्थों में जो चिपकाहट है उसको कहा जाता है लेकिन साहब कहते हैं श्री विशाल साहब ने भी कहा है स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है कि जैसे तुम्हारी चिपकाहट बाहर के प्राणी पदार्थों में है वैसी चिपकाहट वैसे ही भाव अपने आत्मा के लिए हो जाए बस कल्याण हो जाए तो बाहर की ममता छोड़ करके आत्मभाव में मन को केंद्रित करना है अपना स्वरूप सारी बाधाओं से रहित एक रस अखंड ऐसे जो संत होते हैं ममता का त्याग किए ये सारे जगत दुखों से छूट करके अपने आप ज्ञान स्वरूप पारस रूप में स्थित हो जाते हैं और जैसे स्थित हो गया उनके मन के मान्यताओं का जाल टूट गए अपने आप शरीर में कहीं अहंकार रह नहीं गया ममता छोड़ देंगे तो अहंकार छूट जाएगा अहंकार छूट जाएंगे ममता छूट जाएगी और दोनों अहंता ममता छूट गई तो सारे जड़ध्यातों का नाश हो गया दर धात टूट गए तो की स्थिति होगी आत्मीयता की स्थिति होगी यही काम करना साधुता है संतत्व तो है और हर कल्याणार्थी का एक कर्तव्य है इसलिए त्रिविदाल साहब कहते हैं निर्मम बनो निर्मम बनने मतलब ममता रहित निर्मोह हो जाओ बाहर हमारे साथ चलने वाला कुछ भी नहीं है जिसके मोह में पढ़ करके हम अपने शांति साधना का काम छोड़ दें शांति साधना का काम तो हमने स्वयं छोड़ दिया और जिसमें मोह करते हैं वो चीजें अपने आप छूट जाएगी तनो तो उधर के रहे ना इधर के रहे, जो भी चीजें हैं केवल व्यवहार के लिए है प्रयोग के लिए सेवा के लिए उनमें लोभ मोह करना अपने आप को दुखी गड्ढे में गिराना है सेवा कर लें। और सेवा की चीजें बहुत चीजें हैं इसलिए व्यवस्था तो करनी पड़ेगी कोई व्यवसाय कर रहा है तो ये नहीं कहा जा सकता वह बड़ा आदमी बड़ा लोभी है मोही है लोभ मोह का त्याग करने का कर अर्थ ये नहीं है कि बिहार के काम को में असावधानी बरती जाए जो काम जैसा है उस काम को वैसा ही करना होगा बिहार की चीजें हैं उसको व्यस्त रूप से प्रयोग करना होगा तब वो साधना बनेगी ऐसा नहीं है कि बिहार काम उल्टा पीटा करते रहें जो चीज को बिगाड़ते भी रहे हमारे मन में भी किसी के लिए लोभ नहीं है रहे स्वयं तो का त्याग नहीं है मन बिगड़ा हुआ है वहां पर तो जिस शरीर का अहंकार से ही अन्य वस्तुओं प्रति ममता होती है संत का काम है शरीर का अहंकार और जराध्यास को छोड़ कर सप्तः बाहर से भी ममता रहित हो जाना और जो ऐसा करते हैं वही समाधि में स्थित होते हैं इस प्रकार से सदगुरु मिताल साहब का निर्देश आगे उन्होंने ये बताया था बताया इस प्रसंग में कि मिताल साहब ने कहा कि सदगुरु कबीर ही हमारे परम इष्ट हैं क्योंकि वे पंथ में श्री मुकुट वही हैं वे न हुए होते तो हमें ये सच्चा पारक का ज्ञान कहाँ से मिलता तो हमारे लिए जो भी कबीर अनुयायी हैं उनके लिए परम ईश सदगुरु कबीर है लेकिन कबीर साहब के पश्चात अन्य और संत हुए जिन्होंने सदगुरु कबीर के ज्ञान की धारा बहाई संत भी इष्ट हैं क्योंकि वे न होते तो सदर कबीर के ज्ञान हम तक कैसे आता इसलिए कबीर साहब के पश्चात होने वाले जितने भी पारखी संत हैं नाम अनाम वे सब इष्ट हैं लेकिन वर्तमान के संत गुरु ना होते तो उनको भी हम कैसे जानते वर्तमान में किसी संत ने किसी गुरु ने किसी भक्त ने हमें कबीर साहब के ज्ञान को बारे में बताया कहा देखो ये किताब पढ़ो ऐसे अमू से मिलो तो वो भी श्रद्धे या इष्ट है और अंत में जिन्होंने हमें हमें बोध दिया वे गुरु इष्ट हैं इस प्रकार से वर्तमान संदुरु से लेकर के सदगुरु कबीर तक जितने भी हैं पारखी सन सभी इष्ट हैं उनके पर श्रद्धा रख करके ही हम उनके ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं अपने कल्याण का काम कर सकते हैं